हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुभाष। इसे देखते हैं कल मार्केट काउंट डाउन कर सकता है, कौन सा स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं रेगुलर वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आई मेक श्योर कि नहीं वीक का आपको एक नॉलेज मिले एंड डेली एनालिसिस में ट्राई करूँगा आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग डायरेक्टली चार्ट के ऊपर चलते हैं। पहले वीकली चार्ट हम लोग देखते हैं। वीकली एनालिसिस में अगर देखेंगे, लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कशन किया था मार्केट में, मैं बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा था। डेली कैंडल के अंदर मैं आप लोगों को बताया था कि नहीं आप लोग अप मार्केट ऊपर जाएगा या डाउन साइड जाएगा कैसे पता चलेगा। मार्केट जब भी नेगेटिव ट्रेंड में चलता है, राइट, मार्केट फ्लैट खुले या फिर पॉजिटिव नोट में खुले, नेक्स्ट डे थोड़ा सा स्लाइटली गैप डाउन या फिर थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन खुलता है। सिमिलर केस इन अप ट्रेंड ऑल्सो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चलता है, तब मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो के अंदर ही, मार्केट गैप अप खुलता है। गैप अप इज द साइन के लिए मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी अभी बाकी है। इंट्राडे के अंदर भले वो नीचे आ जाए, लेकिन वहां पे मतलब डे बाय डे मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी अगर देखेंगे, देखिए अपसाइड जब भी मार्केट जाता है तब आपको डरने का इतना जरूरत है नहीं, मार्केट जब नीचे आता है तब पैनिक सिनेरियो ज़्यादा क्रिएट होता है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे, एक दो वीक से एक अच्छा मोमेंटम बाइंग के साइड में है। पहला वीक वॉलेटिलिटी था, उसके बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट था। अभी अगर हम लोग देखेंगे, राउंड लेवल 37,000 के आसपास एक राउंड लेवल है एंड 36,500 के आसपास एक राउंड लेवल है। अगर मार्केट कल भी गैप अप खुलता है या फिर ऊपर खुलता है, तो अभी मेरे लिए थोड़ा सा आप एक कंटिन्यूएशन कैंडल देख सकते हैं। कंटिन्यूएशन कैंडल मतलब ट्रेंड चेंज क्या होता है, ट्रेंड चेंज जनरली एक बेयरिश कैंडल बना दिया या फिर एनगल्फिंग टाइप कैंडल बना दिया, ये आपका हो गया ट्रेंड चेंज। एक एनगल्फिंग कैंडल हुआ, हम लोग को बेयरिश मिला। लेकिन कंटिन्यूएशन मीन्स मार्केट सेलिंग के लिए भी आ सकता है, ऊपर के लिए जा सकता है एंड यहां पे आपको इस तरीके का कंटिन्यूएशन कैंडल मिलेगा। अगर एग्जैक्ट कैंडल होता है समय अराउंड इस तरीके का कोई कैंडल या फिर इस तरीके का कोई कैंडल आपको देखने मिल सकता है नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद राउंड लेवल के आसपास मुझे लग रहा है थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर सेल अप आएगा, लेकिन इन द एंड में एक अच्छा हॉल्ट कैंडल या फिर एक डोजी टाइप कैंडल यहां पे बना सकता है कंटिन्यूएशन कैंडल। तो मैं बहुत बड़ा मतलब ट्रेंडिंग मार्केट के लिए फिर से प्लान नहीं करूंगा, एक वॉलेटिलिटी के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मार्केट कंटिन्यूसली गैप अप खुल रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मार्केट अगर गैप अप खुलता है इट्स ए पॉजिटिव, लेकिन इंट्राडे के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हो रहा है। ओवरनाइट 300-400 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, इंट्राडे के अंदर 100-150-300 पॉइंट के अंदर मार्केट एक रेंज के अंदर रह रहा है। इन द एंड में 500-600 पॉइंट आपको दिखता तो है, लेकिन इंट्राडे के अंदर वो कवर नहीं होता। अभी अगर हम लोग देखेंगे, 37,500 एक रेजिस्टेंस है, 37,000 एक रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल के अंदर मुझे कहीं पे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है और यहाँ पे होवर कर सकता है। एक अच्छा मोमेंटम में मार्केट अभी चल रहा है, तो यहाँ पे एक पॉज ले सकता है 36,000 से लेकर 37,000 तक। मुझे लग रहा है इसी के बीच है कहीं पे एक्सपायरी हो सकता है नेक्स्ट वीक का। इसी रेंज के अंदर मार्केट रहने का कोशिश करेगा, भले इंट्राडे के अंदर रेंज ऊपर चला जाए फिर नीचे चला जाए, लेकिन इन द एंड में इसी रेंज के अंदर रह सकता है। लेकिन इतने लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, किस तरीके से प्लान करेंगे, इट्स ए सिंपल। आप अगर देखोगे, सिमिलर गैप अप खुला, मार्केट रेंज के अंदर बना रहा, गैप अप खुला, मार्केट रेंज के अंदर बना रहा। अभी दो केस हो सकता है, मार्केट फिर से फ्लैट खुल सकता है। फ्लैट खुला तो हम लोग को बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है, क्योंकि ये रेंज के अंदर है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं 50-60 या 70 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के। अगर मार्केट नीचे खुल के नीचे आता है तो फिर हम लोग इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस विल बी वेरी लेस। एक कंडीशन ये हो सकता है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुले। इन दिस कंडीशन गैप अप मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेगेटिव साइन हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस टाइम मार्केट गैप अप खुल रहा है एंड सस्टेन कर रहा है। अगर ये बहुत बड़ा गैप अप, दैट इज मोर देन 300 पॉइंट अगर गैप अप कुछ खुलता है, तो फिर हम लोग थोड़ा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 36,600 का लेवल है और अगर 300 पॉइंट ऊपर खुला तो 37,000 के आसपास आ जाएगा। तो इसी लेवल के आसपास कहीं पे अगर नेगेटिव कैंडल बना, हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग। अगर हम लोग को अगर लेट्स से इमेजिन गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुला तो सेम कैंडल, पहला कैंडल अगर नेगेटिव बन गया, सेम कैंडल हाई पे स्टॉप लॉस डाल के हम लोग सेल कर सकते हैं, क्योंकि इन दिस केस नेगेटिव खुलना नहीं चाहिए, मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप खुलना चाहिए। गैप डाउन अगर खुला, दैट टू कि नहीं 200-300 पॉइंट अगर गैप डाउन खुला, तो फिर डेफिनेटली मार्केट नेगेटिव की तरह माना जाएगा। आई होप ये पॉइंट सारा आपको समझ में आ रहे होंगे। सिमिलर केस इन निफ्टी, लेकिन निफ्टी अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट के अंदर देखेंगे, पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू है, मार्केट गैप अप खुल रहा है। इंट्राडे के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है, लेकिन हाँ स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देयर इज टू पॉसिबिलिटी, आप लोगों को पता कब चलेगा ट्रेंड कब चेंज होगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे 18,000 चला जाएगा या 16,000 चला जाएगा। सबसे बेस्ट है अगर ट्रेंड को फॉलो करना है, लास्ट स्विंग को ट्रैक करते चलो। अभी क्या चल रहा है मार्केट में, अप ट्रेंड चल रहा है। देयर इज ए स्विंग, यहाँ पे एक स्विंग है, इसी स्विंग के आसपास कहीं पे क्लोज दिया है। देयर इज ए फर्स्ट साइन कि 17,250 के नीचे आता है, थोड़ा सा हम लोग सेल कर
कर सकते हैं। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है तो फिर हम लोग सेल कर सकते हैं। मार्केट बहुत बड़ा गैप अप, दैट मीन 17,500 के आसपास अगर गैप अप खुलता है 100-150 या 200 पॉइंट के आसपास, दिस अ राउंड लेवल, और मार्केट में बहुत सारे लोग पॉजिटिव के लिए होल्ड किए होंगे और ऊपर खुला तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 17,500 तक आप लोग अपना पोजिशन होल्ड कर सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम लोग प्लान करेंगे। सबसे अच्छा ट्रेड फ्लैट खुला तभी हम लोग को मिलने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है कोटक बैंक। अगर हम लोग देखेंगे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मार्केट में कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया है 1821-22 के ऊपर, हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं परचेस करने के लिए। नो डाउट थोड़ा सा रेजिस्टेंस है ऊपर की लेवल की तरफ, लेकिन ये सारे लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं तो हम लोग इसको परचेस कर सकते हैं। 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1835-40 के आसपास हम लोग का टारगेट होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, बस इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। एनी गैप डाउन इट विल बी रिस्क। अब मार्केट अगर 2470 के ऊपर कहीं पर रिलायंस खुलता है तो फिर ये सस्टेन कर सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे 2460 या 50 के आसपास कहीं पे खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, फिर इमीडिएट सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, दो कंडीशन हो सकता है, इधर इट विल बी ए कंटिन्यूएशन और फेलोअर। फेलोअर तभी होगा जब मार्केट गैप डाउन खुलेगा और जितने लोग यहाँ पे पोजिशनल बेसिस से बाय करके रखे होंगे उन लोग अपना पोजिशन स्क्वायर अप नहीं करेंगे, होल्ड कर जाएंगे, क्योंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव था। मार्केट गैप डाउन खुलने से अचानक से स्क्वायर अप नहीं करेंगे, पैनिक हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, तेजी से सेलिंग हैपनिंग होता है, क्योंकि बायर अपना पोजिशन होल्ड करके रह जाते हैं सेलर कंटिन्यूसली ऐड होते रहते हैं। मार्केट फ्लैट खुला या फिर गैप अप खुला, राइट, यहाँ पे अगर लेट्स से रिलायंस फ्लैट खुले या गैप अप खुले, ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। गैप अप इन द सेंस 1% के अंदर होना चाहिए, 2-4% के ऊपर खुला तो ये हो सकता है मार्केट ऊपर तो ओपन हुआ लेकिन इन द एंड में थोड़ा सेलिंग आके इस तरीके का कैंडल बना सकता है। तो मेक श्योर कीजिए मार्केट का प्राइस एक्शन समझने का कोशिश कीजिए तो आपको ईजी होगा ओपन कहाँ होता है तो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। कंटिन्यूएशन 7-8 रेड कैंडल बन, सॉरी ग्रीन कैंडल बनने के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सेल ऑफ आ सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग सिप्ला देखेंगे 1046 या फिर 44-45 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा पुल बैक आ सकता है, इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 1000 के आसपास नो डाउट राउंड लेवल भी है, 1020 एक अच्छा हम लोग को डिसेंट टारगेट हो जाएगा, 50% इन ट्रेंड का आ सकता है। लेकिन इंट्राडे के अंदर अगर ये 1046 क्रॉस करता है हम लोग 5-6 रुपीज स्टॉप लॉस डाल के मिनिमम 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। अगर हम लोग देखेंगे ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 600 के आसपास। ये हो सकता है कल गैप अप खुल के ऊपर चला जाए, लेकिन अगर ये फ्लैट खुल के 600 ब्रेक करता है तो एक सेलिंग का पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। फिर ये 580-590 इसी लेवल के आसपास ओवर करेगा। 600 ये अगर क्रॉस करता है तो हम लोग 2-3 रुपए स्टॉप लॉस डाल के इसको सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।